पहले इस तरीके से मरका मार लीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए हो तो दोबारा ना करें। और ये देखिए, इस तरह से आप 1.5 इंच फोल्डिंग में अंदर कपड़ा चला जाता है। ये 1.5 इंच के करीब फोल्डिंग है। इस टाइप से फोल्ड कर लीजिएगा, एक सिलाई मार के ऊपर में प्रेस से मोड़ लीजिएगा। ये मुड़ गया, अब इसको कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करके 1.5 इंच का कपड़ा लंबा लीजिएगा, उसको साइड साइड में सिलाई कर दीजिए। इस टाइप से सिलाई कीजिए, चारों तरफ से सिल लीजिए। सिल करके पतला ऊपर से सिलाई चलेगा, लव सिलाई, ठीक है। अब ये लव सिलाई चला दीजिए, इस तरह से मोड़ करके, एक साइड में मोड़ करके लव सिलाई चला दीजिए ऊपर में। इस टाइप से सिलाई चलाइए। अब साइड से किनारी भी मोड़ लीजिए, और 1.5 इंची वाला जो कपड़ा था ज्वाइंट किए हैं उसको साइड से थोड़ा मोड़ लीजिए। लव सिलाई मार लीजिए, इस पर भी मोड़ लीजिए, क्योंकि जेब लगाने में आसानी रहेगा आपको। अब ऊपर में दो फोल्ड करके, जो 1.5 इंची है उसको फोल्ड करके, फिर ऊपर से फोल्ड करके फिर सिल लीजिएगा लंबा। ये देख लीजिए किस तरह से मोड़ा हुआ है, इस तरह से मोड़ के सिल लीजिए, लंबा सिलाई मार लीजिए ऊपर से। हमारे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, ध्यान से देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। और कोई दिक्कत आए सिलाई इसको जेब बनाने में तो आप कमेंट में बताएं हमें, और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने का। ये बन गया जेब, ठीक है। अब जेब लगाते हैं कपड़े में। पहले ढक्कन सिल लीजिए इस टाइप से। ढक्कन सिलने के बाद में आप जेब लगाइएगा, पहले मरका मार लीजिएगा जेब का। अब इस टाइप से जेब का मरका मार लीजिए, पलटी करके रख करके मरका मार लीजिए। आपको दिखाएंगे मरका किस तरह से लगा हुआ है। हम जैसे आपको समझाएंगे, सिलाई सीखने में वैसा कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब दोबारा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और बेल भी बजा दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देख लीजिए जेब लग चुका है ये, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करें कोई भी परेशानी आए तो, किस तरह का वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।